हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास थर्ड को लिटिल फिश स्टोरी फिर से पढ़ाने जा रही हूँ। ये हमने पहले भी पढ़ी है, मैं आज आपको इसका रिवीजन कराने जा रही हूँ। देयर वर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। आपको पता है समुद्र में मिलियंस क्या होते हैं, फिश होते हैं। तो हियर फिश प्लूरल में नहीं आएगा, फिशेज इन द सी, फिश का फिश ही आता है, ये आपको पता होगा। देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड ए वेरी स्मॉल। कहते हैं समुन्द्र में मिलियंस फिश होती है, लेकिन ये जो स्टोरी है एक ऐसी मछली के बारे में है जो बिल्कुल छोटी है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कंटेंटेड बट ही वॉज नॉट हैप्पी। समुन्द्र में वो सब मौजूद है जो इस मछली को चाहिए, लेकिन ये खुश नहीं है। यू विल लॉफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। आपको हंसी आ जाएगी जब आपको पता चलेगा ये खुश क्यों नहीं है। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। ये ना खुश इसलिए है क्योंकि इसका जो साइज है, आकार है, वो बहुत ही छोटा है। इट इज वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ ए फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। कहता बहुत मुश्किल होता है इतना शरीर पाना, ये मछली बार बार दोहराती है और अपना छोटा जो शरीर है अपने आकार को लेकर ये बहुत ही दुखी रहता है। If I were only larger, how much happy? अगर मैं बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती। ये कौन बोल रही है, ये जो छोटी मछली है वो बोल अपने साथ बातें कर रही है। And he said it so many times that I think he believed. So, और ये बात वो इतनी बारी दोहरा चुका था कि उसको अब इस बात पे विश्वास हो गया था कि अगर ये साइज बड़ा हो तो ये ज्यादा खुश रहता है, अगर ये छोटी है तो इससे ये ना खुश है। One day he was swimming along with his shoal and thinking. एक बारी ये अपने शोल, क्या होता है, ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड एज शोल, ठीक है, ग्रुप ऑफ फिशेस कॉल्ड शोल। कहते ये अपने ग्रुप के साथ क्या कर रही थी, तैर रही थी और सोच रही थी। नो डाउट हाउ लार्ज ए फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देयर साइज देन हिम व्हेन सडनली विद नो वार्निंग ही फाउंड हिमसेल्फ अलोंग विद इट्स शोल इन द मैश ऑफ ए ग्रेट नेट। एक दिन जब ये स्विम कर रहे थे तो वो सोच में थी कि अपने आकार को लेके कि मैं कितनी छोटी हूँ, बाकी कितने बड़े हैं, तो उनको पता ही नहीं चला बिना वारने के वो एक नेट में फंस गए। ये इनको जो पूरा ग्रुप था ये जाल में फंस गए। There was so much floundering and splashing as a net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as haul was being emptied into the boat, the smallest fish in the shoal wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! कहते हैं जैसे ये मछलियाँ फंस गई थी, अब ये बाहर निकाल रहा था, जो जिन्होंने ये जाल डाला था वो उसको खींच रहे थे ऊपर की तरफ, धूप की तरफ, अब उसको खींच के ले जा, जैसे यहाँ पे ये जो नाव वाला इसको खींच रहा है। वॉट एज जस्ट वॉज ए हॉल बिंग, कहते जैसे जैसे उसको खींच रहा था तो ये जो छोटी सी मछली है ये नेट के बीच में से निकल गई। उस समय इसने कितना रिलीफ महसूस किया, कितना अच्छा महसूस किया। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, सम ऑफ द फिश हू न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश्ड टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। कहते उस समय वो इतनी खुश थी कि वो तैर रही थी इधर उधर घूम घूम के, और फिर जो बाकी मछली उन्होंने उसको कभी ये बात कहते हुए नहीं सुना था कि वो कितनी छोटी है, अगर वो बड़ी होती तो वो कितनी खुश होती। ही विश टू बी एनीथिंग बट ए लिटिल फिश। अब मुझे लगता है वो ऐसा सोचती होगी कि मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, और मैं हमेशा विश करूंगी कि मैं एक लिटिल फिश ही रहूं। और ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है, इनोस बी कॉम स्टॉप ने, ठीक है, इनोस बी कॉम स्टॉप ने ये लिखी है। ये अब स्टोरी किसके बारे में थी, एक छोटी सी मछली, उसको अपने साइज पे क्या था, दुख था कि वो कितनी छोटी, अगर वो बड़ी होती तो वो कितनी खुश होती। लेकिन जब एक दिन इनका ग्रुप जाल में फंस गया तो ये छोटी सी मछली उस जाल में से निकल गई। उस दिन से ये इसने ये बात कभी नहीं कही कि अगर वो बड़ी होती तो कितनी खुश होती, अगर ये बड़ी होती तो कितनी खुश होती। ठीक है, इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है।